यस, इस सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान इलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को इंडिया में लोगों को यूज करने के लिए मना किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पे बताया गया है कि आप लोग इसके लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन ना करें। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका मोबाइल इंटरनेट, आपका ब्रॉडबैंड और आपका जो स्टारलिंक सर्विस है, इन तीनों का कंपैरिजन करने के बाद कौन सा सर्विस आपको लेना चाहिए और स्टारलिंक सर्विस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या चीज होता है कि कोई भी चीज गवर्नमेंट आपको क्यों मना कर रहा है। यहां पे गवर्नमेंट का मना करने का मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप अभी तक इलन मस्क ने नहीं किया है। तो दोस्तों, इलन मस्क के साथ अगर टाई अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं हुआ है, डेफिनेटली इट्स अ कंसर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने कोई टाई अप नहीं किया है। बट फिर भी एज अ यूजर अगर देखा जाए, क्या ऐसे कुछ है इसमें कि हमें इलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, स्टारलिंक एक नेटवर्क है जो कि सैटेलाइट्स को, स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स ने लगभग 570 किलोमीटर ऊपर लगभग 1700 सैटेलाइट्स को इंस्टॉल कर चुका है। 2022 का एंड तक लगभग 12,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। इसके काम क्या होगा, एक तरह का एक नेटवर्क, फाइबर नेटवर्क के तरह काम करेगा एंड जो कि बिना किसी केबल, बिना किसी नेटवर्क का आपका घर तक आपको इंटरनेट सर्विस पहुंचाएगा। तो दोस्तों, स्टारलिंक या तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कोई भी प्रोवाइडर आज तक तो नहीं है, बट आप अभी अगर मान ले कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आ जाए, सैटेलाइट प्रोवाइडर, तो क्या आपको लेना चाहिए? तो दोस्तों मेरा सिंपल सा आंसर होगा, सबसे पहले आपको सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ मोड़ना चाहिए, सैटेलाइट इंटरनेट को आपको बाय करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ खास रीजन होता है जिसके कारण हमें सैटेलाइट इंटरनेट को बाय करना चाहिए। सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसा सर्विस होता है जो कि हर किसी सिचुएशन, हर किसी तरह का कंडीशन पे काम आ सकता है। लाइक मान लीजिए आपके घर में किसी भी रीजन में कुछ भी आफदा आ गया, आप जिस लोकेशन पे रहते हो वहां पे किसी भी तरह का बाढ़ आ गया, कोई भी तूफान आ गया, या तो किसी भी और भी किसी भी तरह का डिजास्टर के सिचुएशन है, हर एक मोबाइल नेटवर्क ठप हो चुका है, ऐसे सिचुएशन पर भी आपका स्टारलिंक इंटरनेट काम करता है, बिकॉज ये डायरेक्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचता है जो कि सैटेलाइट से पहुंचता है। बट हाँ, डेफिनेटली आपके मन में सवाल आ सकता है, इसका रिसीवर भी तो खराब हो सकता है, ऐसे किसी भी तरह का सिचुएशन में अगर मोबाइल नेटवर्क खराब हो रहा है तो मे बी आपका लोकेशन के, आपका जो इसका रिसीवर होता है वो इंपैक्ट हो सकता है। बट बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है, बहुत ही छोटा सा एक तरह का आपका डिश टाइप का होता है जिसको आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके वजह से स्टारलिंक इंटरनेट आप किसी भी लोकेशन में, किसी भी रिमोट एरियाज पे यूज कर सकते हो, जैसा कि फिलहाल यूक्रेन में किया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया के द्वारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय जो जो एरिया हो चुका है, वहां पर भी स्टारलिंक इंटरनेट की वजह से लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थ्रू इंटरनेट कॉलिंग। तो ऐसे में दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट एक क्रांतिकारी सोच है, एक बहुत ही अच्छा सोच है, इलन मस्क को इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। अब बात किया जाए अगर हमारा मोबाइल इंटरनेट का, तो दोस्तों हम इंडिया में जो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं 4G इंटरनेट के हिसाब से, एज पर ट्राई के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, सबसे हाईएस्ट स्पीड मिलता है जियो में, 20.4 एमबीपीएस तक का डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाता है। बट दोस्तों अगर हकीकत में देखा जाए तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड 1.5-2 MBPS से ज्यादा नहीं मिलता है, मैक्सिमम हो सकता है आपको कभी कभी 3-5 MBPS रात को मिल जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम का, तो आपका एक ब्रॉडबैंड का 500-600 का अगर आप प्लान यूज कर रहे हो तो आपको लगभग 50 MBPS का स्पीड मिल जाता है। बट कंसर्न यहां पर होता है, क्या ब्रॉडबैंड सर्विस हर एक लोकेशन पर काम नहीं करता है, ब्रॉडबैंड सर्विस केबल के थ्रू आता है, किसी भी रीजन में आपका केबल कट हो गया, किसी भी तरह का सिचुएशन इश्यू हो गया, तो आपका ब्रॉडबैंड सर्विस रुक जाता है, ऐसे में आपका काम वेस्ट हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट होता है एंड आपका काम रुक सकता है। एंड इस तरह का बहुत सारे लोकेशन ऐसे है, इंडिया में हो या किसी भी देश में हो, बहुत सारे रिमोट एरियाज अब भी है जहां पर इंटरनेट सर्विस उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पर केबल पहुंचने का फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है काफी रिमोट एरिया होने के कारण। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन है तो आप दुनिया भर के किसी भी लोकेशन में, रिमोट लोकेशन में हो, चाहे आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, या तो चाहे आप चले जाओ सुंदरबन में, या तो किसी भी और फॉरेस्ट एरिया में, या तो किसी भी तरह का, चाहे आप रेगिस्तान में भी चले जाओ,
तो भी आपको नेटवर्क मिलता रहेगा एंड आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों मेरा ख्याल से स्टारलिंक इंटरनेट एक काफी क्रांतिकारी ख्याल है जो कि इलोन मस्क द्वारा लाया गया है एंड इलोन मस्क का हर एक काम सच में एक क्रांतिकारी होता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा ख्याल से इलोन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को हम में से लगभग हर किसी को जिनके लिए पॉसिबिलिटीज है उनको परचेस करना चाहिए, उनको उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए एंड स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन एक काफी ज्यादा क्रांतिकारी कनेक्शन है। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन था, तो आशा रखता हूं इससे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि इस सबको आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।